हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा ऑडिटिंग का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें आज हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कॉस्ट ऑडिट बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों बनाया जाता है। टू आइडेंटिफाई द अनड्यू वेस्टेज और लॉसेज एंड इंश्योर दैट कॉस्टिंग सिस्टम डिटरमाइंस द करेक्ट एंड रियलिस्टिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ताकि हम जान सकें कि एक्चुअली में हमने प्रोडक्शन टाइम कितना वेस्ट किया है और हम एक प्रोडक्शन की सही कॉस्ट और रिलायबल क्या करें कॉस्ट निकाल सके, रियल कॉस्ट निकाल सके। ठीक है, यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट रिगार्डिंग रेगुलेशन प्रोडक्शन इकोनॉमिकल मेथड ऑफ ऑपरेशन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड रिफॉर्मुलेटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान्स। ठीक है, ताकि अगर हमसे कोई इंफॉर्मेशन मांगे मेथड से कॉस्ट रिडक्शन के बारे में, कोई प्लान के बारे में, कोई रेगुलेशंस के बारे में, कोई रिफॉर्मुलेशन के बारे में, तो हम उसको क्या कर सके, वो इंफॉर्मेशन आराम से प्रोवाइड करा सके। ठीक है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड्स ओनली दोज फैक्टर्स विच आर एब्सोल्युटली नेसेसरी एंड दीज फैक्टर्स आर यूज इन द मोस्ट इफिशियंट वे। ठीक है, बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मतलब हम प्रोडक्शन करने से बेचने तक, सेल्स करने तक सिर्फ उतना ही वेस्ट करें या उतना ही मार्जिन रखें जितना ज़रूरी है और जितना वो हमें प्रॉफिट दे। ऐसा नहीं कि हम बहुत सारा सामान वेस्ट कर दे रहे हैं फिर उसका भी क्या कर रहे हैं, प्राइस अपने सेल्स में इंक्लूड कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ एक्यूरेसी ऑफ एसेट्स एंड रिकॉर्ड अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जो भी रिकॉर्ड हमने साल भर में करके रखा होता है, उसका अच्छे से वेरिफिकेशन करना ही क्या होता है, कॉस्ट ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, डिटेक्ट ऑल एरर्स और फ्रॉड इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कॉस्ट रिकॉर्ड में जितने भी फ्रॉड्स हुए हैं, जितने भी एरर्स हुए हैं, उन सबको देखना, समझना, उनके पीछे के रीजंस फाइंड आउट करना। ठीक है, फुल कंट्रोल ऑन द वर्किंग ऑफ कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू सजेस्ट वेज एंड मीन्स फॉर स्मूथ रनिंग। जो हमारा कॉस्टिंग डिपार्टमेंट होता है, जो सारे खर्चे क्या करता है, कंट्रोल करता है, उन पर हम क्या कर सकेंगे, एक पकड़ बना सकेंगे और उनको हम टाइम टू टाइम ये बता सकेंगे कि क्या करना है, कैसे कम खर्चे में ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ इफेक्टिव इंटरनल कॉस्ट ऑडिट सिस्टम। ठीक है, एक जो इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर जो एक कंट्रोल सिस्टम होता है कॉस्ट का, उसको क्या करना, अच्छे से मेंटेन करके रखना। गिव्स सजेशन फॉर बैंकिंग इफिशियंसी। ठीक है, उनको अच्छा सजेशन देना कि हम कौन से बैंकिंग पॉलिसी को कितने अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। मोरल चेक ऑन द स्टेट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, डिपार्टमेंट एंड ब्रिंग इफिशियंसी इन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एंड प्रोसीजर। उनको टाइम टू टाइम अपने कॉस्ट अकाउंट्स को चेक करना और क्या करना, डिपार्टमेंट को बताना कि वो उसके प्रोसीजर्स को अच्छे से देखे, अच्छे से संभाले और हम भी उन प्रोसीजर्स को क्या कर सकें, क्रॉस चेक कर सकें। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।